नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में अपराधी बेखौफ कहीं भी चाहते हैं, वारदात करते हैं, अंजाम देते हैं और आराम से निकलते जाते हैं। बात करें हम पटना की, पटना में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो जो अपराध करना चाहें, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, धमकी देना हो, फायरिंग करना हो, आराम से करते हैं और निकल जाते हैं। ताजा मामला है दानापुर का। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात राजधानी पटना के दानापुर थाना इलाके की है, जहां आरपीएस मोड़ दानापुर रोड नंबर 8 आर्य समाज मंदिर के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में फ्लैट खाली कराने को लेकर विवाद में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस गोलीबारी की घटना में बाल बाल लोग बचे। वही स्थानीय ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वारदात की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची दानापुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वही दानापुर थानेदार का कहना है कि बदमाशों के धड़ पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो विवाद था वो अपार्टमेंट में फ्लैट खाली कराने को लेकर था। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में और खासकर पटना में अपराधी कितना बेखौफ हो चुके हैं और उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक फ्लैट खाली कराने के लिए, जो कि छोटी सी बात होती है, फ्लैट खाली कराना, उसके लिए कई राउंड फायरिंग किया जाता है और आराम से वो निकल के भाग भी जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाता है। कौन लिया था? अरुण जी जिन गोली कौन चलाया हम लोग पे? अरुण जी जो ऑनर है, उन्हीं का गोली गोली चलाने वाला नहीं देखा है कौन जी उनका हाथ। राइफल किसका था? उन्हीं का था। राइफल कौन चलाया? राइफल पता नहीं। तुम कहाँ से आए हो? हम उनके साथ आए। कौन भेजा है तुमको? पटना में हम थे, हमको बोला गया कि चलिए घर जाने वाले थे, तो बोला ऊपर कौन थी? कोई नहीं, लड़की थी। काहे लड़की को इसे किया? हम लोग पे गोली चलाया, उंगली को छूते हुए गोली गया और तुम कहता है कोई नहीं था। तुम कहाँ आया था? तुम लोग कितना लड़का आदमी था? 10 आदमी था ना रे? 8-10 आदमी सब आया रूम खाली करवाने रात में। पुलिस जो है इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर पटना में हो क्या रहा है। परसों ही एक सूचकांक जारी किया गया है, जिसकी खबरें हमने कल चलाई भी, कि 49 बड़े शहरों में देश के, पटना का सुरक्षा में 47वां स्थान है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, सूबे के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह का वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके राजधानी में ही रोज कोई ना कोई वारदातें होती है और छोटी छोटी बातों को लेकर बंदूक निकलते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। दानापुर का मामला अपराधियों के बढ़ते हुए मनोबल को दर्शाता है और जरूरत है पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की, अपराधियों को पकड़ने की और जल्द से जल्द सजा दिलाने की, ताकि कोई भी अपराधी आगे से ऐसी गलती करने के बारे में सोच भी ना सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।